हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर के इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की जो बुक है उसके यूनिट 3 के बारे में। मैंने 2 यूनिट की वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर दी है, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे जो यूनिट 3 है उसका नाम है एक्सप्लोरिंग ड्रामा। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ड्रामा क्या होता है। ठीक है, और ये सब हम एक्सप्लोर करेंगे एक ड्रामा के बेसिस पे, जिस ड्रामे का नाम है बियॉन्ड द लैंड ऑफ हाथमाला। ठीक है, तो ये हमारे एक ड्रामा है इस चैप्टर में जो लिखा गया है बादल सरकार के द्वारा। तो इस ड्रामे के ऊपर आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये ड्रामा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको ये ड्रामा समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बोर्ड आपके एग्जाम्स में ये ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमारे ड्रामे का नाम है बियॉन्ड द लैंड ऑफ हाथमाला। अब इससे सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ड्रामे के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में। तो बियॉन्ड द लैंड ऑफ हाथमाला इज रिटन बाय बादल सरकार। राइटर का नाम है बादल सरकार, जिन्होंने एक ड्रामा लिखा। ठीक है, जो ये है तो आपको राइटर का नाम ध्यान होना चाहिए, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। बादल सरकार का जो टाइम लिमिट है, मतलब टाइम लाइन है, वो 1925 से लेकर 2011 तक उन्होंने अपना जीवन जिया। ठीक है, वॉज अ प्ले राइट एंड डायरेक्टर, ही लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन द मॉडर्न इंडियन थिएटर मूवमेंट। बादल सरकार ने एक मूवमेंट चालू करी थी जिसको नाम दिया जाता है थर्ड थिएटर के नाम से। ठीक है, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू करी थी इन इंडिया, और वो भी किस बेसिस पे, इंडिया के जो थिएटर हैं वो काफ़ी महंगे थे, उसके बेसिस पे थर्ड थिएटर नाम से एक फ्री ऑफ कॉस्ट थिएटर ओपन करा, और वो खुले एरिया में होता था ताकि लोग उन्हें आराम से देख सकें बिना किसी कॉस्ट के। ठीक है, तो उन्होंने ये चालू किया, और वो एक प्ले राइटर थे, जो प्ले राइटर मतलब नाटक लिखने वाले, और डायरेक्टर जो नाटक को डायरेक्ट करते थे। ठीक है, उन्होंने एक काफ़ी बड़ा या फिर काफ़ी गहरा इम्प्रिंट छोड़ा था, अपना एक निशान छोड़ दिया था इंडियन थिएटर्स पर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट आता था, सब्जेक्ट ऑफ हिज प्ले वॉज एंटी एस्टेब्लिशमेंट इन नेचर। ठीक है, तो उनका जो प्ले था उसका जो हम कह सकते हैं एक तरह से टॉपिक या फिर सब्जेक्ट था, वो था एस्टेब्लिशमेंट इन नेचर, मतलब नेचर जो है, प्रकृति है, उसमें जो भी मानव एंटी मतलब विरोधी चीज़ें लगाता है। ठीक है, कुछ ऐसे मतलब जंगलों में फैक्ट्रियां लगा देना पेड़ काट के, तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये कहलाता है। आफ्टर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्रोटोवासिक पुअर थिएटर। ठीक है, उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी एक थिएटर से जिसमें एक प्ले था पुअर थिएटर, ही स्टार्ट अ मूवमेंट इन इंडियन थिएटर कॉल्ड थर्ड थिएटर। ठीक है, तो उन्होंने जो इंस्पिरेशन मिली कि हम एक ऐसा थिएटर खोलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और पीपल उसमें आराम से देख सकते हैं शोज़, तो वो इंस्पिरेशन उन्हें मिली थी ग्रोटोवासी पुअर थिएटर से। ठीक है, ग्रोटोवासी एक व्यक्ति हैं जिनका पुअर थिएटर था नाम से, एक प्ले है पुअर थिएटर नाम से, तो उनके बेसिस पे उन्हें इंस्पिरेशन मिली। पुअर थिएटर एक प्ले है और उसके बेसिस पे उन्हें थर्ड थिएटर जो मूवमेंट है उसको बनाने का एक तरह से विचार आया। ठीक है, उसके बाद टू काइंड्स ऑफ थिएटर बताए गए हैं जो कि पॉपुलर थे इस यूरोपियन कल्चर में। ठीक है, यूरोपियन कल्चर में ये टू टाइप्स के वो फेमस थे। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं 1925, मतलब देश के आज़ाद होने से पहले ही इनका जन्म हो चुका था। तो उस समय यहाँ पे यूरोपियन कल्चर चला करता था। तो यूरोपियन कल्चर में दो तरह के हम कह सकते हैं जो थिएटर थे वो पॉपुलर थे। ये जो फर्स्ट था वो था इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रेडिशनल थिएटर, ये ट्रेडिशनल थिएटर था। एंड देन एवेंट ग्रेड थिएटर, ये सेकेंड था एवेंट ग्रेड थिएटर। ठीक है, तो ये दो तरह के थिएटर काफ़ी ज़्यादा फेमस थे यूरोपियन कल्चर में। उसके बाद हम बात करते हैं आगे के पॉइंट्स की। तो सरकार ने जो थर्ड थिएटर स्टार्ट करा था बादल सरकार ने, उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई कि बादल सरकार ऑफर्ड थर्ड थिएटर, उन्होंने थर्ड थिएटर ऑफर का मतलब थर्ड थिएटर नाम से एक मुहिम चालू करी। ठीक है, और उन्होंने लोगों को इस मुहिम के बारे में भी बताया। इसमें दो टाइप के थिएटर की बात की गई है। ठीक है, फ्लोक एंड रूरल थिएटर, जंत्रा अर्बन प्रोकसिंग थिएटर। जो फर्स्ट थिएटर है वो मतलब एक हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ थिएटर है। एंड देन जो दूसरा है अर्बन प्रोस्कैनियम थिएटर, वो शहरी है। ठीक है, मतलब वो शहर के बेसिस पे है। तो यहाँ पे दो थिएटर की वो दिया गया था, और इन दो को मिला के बादल सरकार ने अपने थर्ड थिएटर की मुहिम चालू करी, और जिनमें उन्होंने एक ऐसा थिएटर बनाया जो कि ओपन बेसिस पे था, मतलब खुले क्षेत्र में
हम प्ले कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। सरकार रोड प्लेस फॉर थर्ड थिएटर विच वर फ्री फ्रॉम द लिमिटेशन इम्पोज बाय ट्रेडिशनल थिएटर। अब बादल सरकार की जो सोच थी वो ये सोच थी कि वो चाहते थे कि जो ट्रेडिशनल थिएटर है, मतलब जो महंगे थिएटर हैं, यूरोपियन कल्चर से रिलेटेड थिएटर्स हैं, वो काफ़ी महंगे थे, तो पुअर पीपल या फिर जो व्यक्ति काम करते हैं छोटे मोटे, वो उस थिएटर का जो कॉस्ट था वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो प्ले देखने नहीं जा पाते थे। तो यही कारण था कि बादल सरकार ने सोचा कि हम एक ऐसा थिएटर खोलेंगे कि वहाँ पे गरीब से गरीब व्यक्ति भी आके उसमें भाग ले सकता है और साथ में अपना शो भी देख सकता है। तो बादल सरकार ने इसके लिए अपने थर्ड थिएटर के लिए काफ़ी सारे राइट प्लेस लिखे थे, ठीक है, और वो हर किसी लिमिटेशन से, मतलब जो भी लिमिटेशन थी उस पे जो रोक थी उन सबसे परे उन्होंने काफ़ी सारे प्लेस लिखे। दीज प्लेस वर डिज़ाइंड टू बी परफॉर्म्ड एनीवेयर एंड अंडर ऑल कंडीशनल बिकॉज। ये बादल सरकार ने जो भी प्लेस लिखे थे, ठीक है, जो भी शोज़ लिखे थे वो इस तरह लिखे गए थे कि उन्हें कहीं पे भी परफॉर्म किया जा सकता है, खुले क्षेत्र में भी, आंगन में भी, और या फिर आप कह सकते हैं किसी स्टेज पे भी, कहीं पे भी परफॉर्म किया जा सकता है और किसी भी कंडीशन में। अगर स्टेज की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार है या फिर जो हम कह सकते हैं ड्रामा कंपनी है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार है, फिर भी वो इस प्ले को कर सकते हैं, तो इस तरह उसको लिखा गया था। बिकॉज वट एवर इज़ नेसेसरी फॉर स्टेज थिएटर ग्रुप कैन ईजिली कैरीड बाई देम सेल्फ। ठीक है, क्योंकि इस प्ले में जो भी चीज़ें नेसेसरी हैं, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो क्या करते हैं, जो भी प्ले ग्रुप है, थिएटर ग्रुप है, वो उन चीज़ों को आराम से कैरी कर सकता है, जैसे कि ड्रेसेस हो गई छोटी मोटी, ठीक है, बस यही चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ना ही साउंड इफेक्ट का यूज़ किया जाता है, ना ही बाकी चीज़ों का, वो सब मैं आपको आगे की पीडीएस में बताऊँगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेज एंड पीपल वॉज इलिमिनेटेड बाई स्टेजिंग। अब यहाँ पे बात करी गई है कि कुछ लोग जो कि गरीब थे वो लोग थिएटर में जाके शोज नहीं देख सकते थे, ये उनका मतलब मनी इशू थी, ठीक है, तो ये जो था ये ख़त्म कर दिया गया था, ये जो बीच का डिस्टेंस था ये ख़त्म कर दिया गया था। अब जो प्ले थर्ड थिएटर में जो प्ले होने वाले थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे, तो कोई भी आके उसे देख सकता था, तो जो बीच में दूरियाँ थी स्टेज के और पीपल के वो इल्यूमिनेटेड कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी बाय द स्टेजिंग के द्वारा। इन ट्रेडिशनल थिएटर वेयर द स्टेज इज लाइटेड एंड ऑडियंस सिट इन डार्कनेस इज ऑल्सो एब्सेंट हियर। दूसरा पॉइंट जो थर्ड थिएटर में बताया गया है वो है कि जो ट्रेडिशनल थिएटर थे यूरोपियन कल्चर के, उनमें जो भी ऑडियंस थे वो कहाँ बैठते थे, सीट्स पे बैठते थे, एंड देन उनके ऊपर लाइट नहीं पड़ती थी, वो एक डार्कनेस वाले क्षेत्र में बैठा करते थे, ठीक है, प्लेस पे, ताकि उनका जो शो देखना है उस शो पे लाइट होती थी स्टेज पे, तो उनको शो बहुत अच्छे से दिखता था। बट अब थर्ड थिएटर में ये सब चीज़ें नहीं थी, थर्ड थिएटर में सिटिंग के लिए डार्कनेस लाइट का प्रयोग नहीं किया गया था, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की गई थी थर्ड थिएटर में। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर प्ले आर, कुछ ऐसी चीज़ें जो प्ले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, कॉस्ट्यूम हो गया, मेकअप हो गया, लाइट्स हो गया, साउंड सिस्टम, सेट्स, म्यूजिक, सीनरीज, सेपरेट स्टेज, प्रॉस, ठीक है, पर्पस आर नॉट गोइंग टू यूज़ इन थर्ड थिएटर। अब ऐसी चीज़ें जो कि जैसे कॉस्ट्यूम हो गया, मेकअप्स हो गया, इन सब का यूज़ थर्ड थिएटर में नहीं किया जा रहा था, जो साउंड इफेक्ट थे, साउंड सिस्टम, उसका भी प्रयोग नहीं किया गया था, सीनरीज मतलब कलाकार वाली सीनरीज अच्छी अच्छी, उन सब का प्रयोग थर्ड थिएटर में नहीं किया गया था, ठीक है, सेपरेट स्टेज मतलब कि ऐसा स्टेज जहाँ पे उबड़ खाबड़ की जगह भी दिखाई जा सकती हो, तो इस तरह का स्टेज का प्रयोग भी नहीं किया गया था थर्ड थिएटर में। आर नॉट गोइंग टू यूज़ इन थर्ड थिएटर, थर्ड थिएटर में ऐसी भी कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं किया गया था। विदाउट दीज थिंग्स द प्ले हैपन, ठीक है, द प्लेस हैपन इन हॉल आर कार्टयार्ड, जिसे आंगन मंच भी कहा जाता है, और द फ्री ओपन स्पेस मुक्त मंच, ठीक है, जो प्ले होते थे, जो भी शोज़ होते थे वो कहाँ होते थे, हॉल्स में होते थे, ठीक है, बड़े बड़े हॉल्स में, या फिर कोर्टयार्ड जिसको आंगन मंच भी कहते हैं, मतलब आंगन में, या फिर द फ्री ओपन स्पेस मुक्त मंच, या फिर किसी खुली जगह पे, आंगन में हो गया या फिर किसी खुले ग्राउंड में, ऐसे प्ले हुआ करते थे थर्ड थिएटर के। दीज थिंग्स आर यूजिंग इज थर्ड थिएटर ओनली बाय एक्टिंग प्लेस हैपन, ठीक है, दीज थिंग्स आर यूजिंग इन थर्ड थिएटर, जो भी चीज़ें थर्ड थिएटर में यूज़ होती थी, ठीक है, वो थी बस ओनली बाय एक्टिंग प्लेस हैपन, तो जो भी चीज़ थर्ड थिएटर में यूज़ की जाती थी वो थे बेसिक कपड़े थे, मतलब जो कैरेक्टर्स थे
या फिर हम कह सकते हैं जो एक्टर्स थे वो साधारण कपड़ों में स्टेज पे खड़े रहा करते थे या फिर ज़मीन पे, और वहाँ से अपनी एक्टिंग करते थे। और ये जितना भी कुछ होता था पूरे के पूरे कह सकते हैं थिएटर में जो शो हुआ उसकी सक्सेस थी सिर्फ उनकी एक्टिंग, एक्टर्स की एक्टिंग। वो एक्टर्स इतनी अच्छी एक्टिंग करा करते थे कि और किसी सीनरी या फिर साउंड सिस्टम की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। ऑन द स्टेज एक्टर्स ओनली डू एक्टिंग एंड शो देयर एक्सप्रेशन सो द प्ले बिकेम सक्सेसफुल। अब जो स्टेज पे एक्टर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो एक तरह से अपना पूरा का पूरा एक्सप्रेशन शो करते थे, ठीक है, और जिससे कि वो जो प्ले हुआ करता था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता था, बहुत अच्छी तरह वो उस पे अपने रोल को निभाते थे। पिंगड़ बनने का रोल या फिर और भी कई सारे रोल हुआ करते थे जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो उससे इनका जो प्ले था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छे से चलने लग गया था। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट्स में, सरकार ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग थिएटर टू द वर्किंग क्लास मार्जिनलाइज्ड पीपल अदरवाइज हु कैन नॉट अफोर्ड लग्जरी थिएटर प्ले। अब सरकार जो बादल सरकार है वो बस उनकी बस एक ही इच्छा थी या फिर वो चाहते थे कि जो थिएटर है वो कहाँ तक पहुँचे, वो हर एक व्यक्ति के पहुँच तक पहुँचे। वर्किंग क्लास ऐसे व्यक्ति जो काम करते हैं या फिर मार्जिनलाइज्ड वह व्यक्ति जो हाशिए पर है, जिनकी जाति प्रजाति खत्म होने वाली है, उन व्यक्तियों तक पहुँचे। पीपल हु अदरवाइज हु कैन नॉट अफोर्ड लग्जरी थिएटर, या फिर वो व्यक्ति जो गरीब है और लग्जरी थिएटर अफोर्ड नहीं कर सकते उसका टिकट, उन लोगों के लिए ये थिएटर बनाए गए थे ताकि हर कोई व्यक्ति उसको देख के मज़ा उठा सके, ठीक है। तो यही बादल सरकार चाहते थे। पीपल डिड नॉट कम विद कॉस्ट इन थर्ड थिएटर एंड ऑफ द परफॉर्मेंस हु वॉन्ट टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन कैन डू सो, ठीक है। पीपल जो भी लोग आया करते थे थिएटर में, थर्ड थिएटर में शोज़ देखने, वो पैसे लेके नहीं आते थे, ठीक है। वो डू नॉट कम विथ कॉस्ट, वो पैसों के साथ नहीं आते थे। और आखिर में प्ले ख़त्म होने के बाद एंड ऑफ द परफॉर्मेंस जो भी व्यक्ति को लगता था कि हमें इस थर्ड थिएटर के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, वो कुछ पैसे वहाँ पे दान कर दिया करते थे, ठीक है। तो ये व्यक्ति के अपने ऊपर था, थर्ड थिएटर उन्हें एक तरह से पैसे नहीं मांगता था उनसे, उनको बस शोज़ दिखाता था और लोग उस शोज़ से खुश होते थे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या तो उन क्वेश्चंस के भी मैंने आंसर शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, पॉइंट आउट में लिखे हैं, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और इससे आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो जो फर्स्ट एक क्वेश्चन है, हाउ इज़ बादल सरकार थर्ड थिएटर डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल थिएटर। बादल सरकार का जो थर्ड थिएटर है वो कन्वेंशनल थिएटर से किस तरह अलग है। तब यहाँ पर बात करते हैं तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट, बादल सरकार का जो थिएटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी व्यक्ति उसे देखता है। बट अगर हम यूरोपियन कल्चर के या फिर कन्वेंशनल थिएटर्स को देखें तो वहाँ पे उसकी जो फीस है वो काफ़ी महंगी है। एक्स्ट्रा इफेक्ट्स वॉज नॉट अवेलेबल, थर्ड थिएटर में एक्स्ट्रा इफेक्ट्स को यूज़ नहीं किया गया था, जैसे कि सीनरी, साउंड सिस्टम, लाइटनिंग सिस्टम, इन सब का यूज़ नहीं किया गया था। वर्किंग आर एनी पीपल कैन वॉच प्ले, ठीक है, ये जो व्यक्ति काम करते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति उस प्ले को देख सकता था फ्री ऑफ कॉस्ट। द थीम ऑफ द प्ले शोज बाय द एक्टिंग, ठीक है, जो प्ले है उसका जो थीम है वो किस तरह दिखाया जाता है व्यक्तियों को, देखने वालों को, कि वो दिखाया जाता है उनकी एक्टिंग के द्वारा। जो एक्टर्स हैं वो एक्टिंग ही ऐसी करते हैं इस तरह से कि जो थीम है वो प्रत्येक व्यक्ति की आंखों के सामने आ जाए। डिस्टेंस बिटवीन स्टेज एंड पीपल वॉज रिमूव्ड, थर्ड थिएटर में जो डिस्टेंस था पीपल और लोगों के बीच में और थिएटर के बीच में वो ख़त्म कर दिया गया। पीपल डिड नॉट सिट इन डार्कनेस, एक ये मेन पॉइंट है कि जो पीपल थे वो कन्वेंशनल थिएटर में डार्कनेस की सीट्स पे बैठा करते थे, बट इन थर्ड थिएटर में वो लोग डार्कनेस की सीट्स पर नहीं बैठते हैं, वो एक ओपन एरिया में बैठते हैं या फिर खड़े रहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं तो एनालाइज द प्ले। अब यहाँ पे जो प्ले लिखा गया है बियॉन्ड द लैंड ऑफ हाथमाला, हाथमाला के जो बियॉन्ड द लैंड है उसके बारे में आज इसमें हम यहाँ एनालाइज करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है द प्ले बियॉन्ड द लैंड हाथमाला रिटन बाय बादल सरकार फॉर द थर्ड थिएटर, ये जो बियॉन्ड द लैंड ऑफ हाथमाला है ये प्ले ही लिखा गया था सिर्फ थर्ड थिएटर के लिए। मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग इन प्ले वॉज द आइडिया ऑफ द प्ले, इस प्ले का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग है मतलब जो समझने में थोड़ी कठिन चीज़ है वो है उस प्ले का आइडिया, कि उस प्ले का जो आइडिया वो कहाँ से आया, ठीक है, थोड़ा सा वो कठिन है समझना। प्लॉट एंड बेसिस थीम, अब जो हमारा कह सकते हैं ड्रामा है, ठीक है, प्ले है, उसका जो प्लॉट है, प्लॉट मतलब उसकी स्टोरी लाइन क्या है, वो किस बेसिस पे है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द टू थीव्स
केनाराम एंड बेचाराम लिव्स इन हाथमाला, ठीक है। दो व्यक्ति है यहाँ पे, मैं आपको स्टोरी पॉइंट आउट के साथ बताता हूँ क्योंकि आप बुक में पढ़ेंगे तो स्टोरी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे दो व्यक्ति रहते हैं, केनाराम एंड बेचाराम लिव्स इन हाथमाला। हाथमाला एक जगह है जहाँ पे ये दो व्यक्ति रहते हैं। दे आर बींग चेस्ड बाई विलेजर्स, वो व्यक्ति मतलब चोर हैं, ठीक है, तो वो चोरी करते रहते हैं। तो एक दिन वो चोरी करके भाग रहे थे और गांव वाले उनके पीछे पड़े हुए थे, ठीक है। तो वो गांव वालों से बचने के लिए भाग रहे थे। फॉर सेविंग दे आवर सेल्फ दे जम्प इन टू द रिवर एंड पीपल लीव देम। अब उन्होंने एक आइडिया सोचा कि वो भागते हुए जा रहे थे, आगे उन्हें एक रिवर मिली, ठीक है, मतलब एक नदी मिली, और जहाँ पे उन्होंने ये सोचा अपनी जान बचाने के लिए, उन्होंने नदी में छलांग लगा दी, जंप कर दिया। अब जो लोग थे वो नदी के पास आए, उन्होंने सोचा कि अब ये दो चोर मर गए होंगे, ठीक है, तो उन्होंने उन्हें वहीं छोड़ दिया और वो चले गए, उन्होंने पानी में घुस के उन्हें नहीं देखा। एंड देन अब जब वो कूद गए तो दे वेक अप एट अनफमिलियर लैंड। अब जब वो उठे तो वो एक ऐसी जगह से पे उठे, मतलब उनकी नींद एक ऐसी जगह पे खुली जिस जगह से वो अनफमिलियर थे, मतलब अनजान थे, वो उस जगह को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। अब नेक्स्ट आता है कि दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट लैंड बिकॉज देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी आर ओनरशिप। अब जिस जगह पे वो उठे वो जगह उनसे अनजान थी, या फिर वो उस जगह से अनजान थे। अब थोड़ी देर बाद उठने के बाद वो इधर उधर घूमे, तब उन्हें पता चला कि इस जगह पे जो भी कॉन्सेप्ट है मनी का, मतलब पैसों का जो कॉन्सेप्ट है और ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही इस जगह पे नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई पैसे नाम की चीज़ नहीं है, ना ही कोई ओनरशिप नाम की चीज़ है। मतलब इन लोगों ने ना पैसे और ना ओनरशिप का नाम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना, ठीक है। तो ये उस जगह का एक पॉइंट आउट है। देन ईच सिटीजन इज़ प्रोवाइडेड क्लॉथ फूड एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। अब यहाँ पे क्या है, इस लैंड पे जहाँ पे वो लोग उठे, अब उन्होंने देखा कि इस जगह पे प्रत्येक व्यक्ति को खाना, कपड़े, ठीक है, और भी जो भी नेसेसरी थिंग्स है, जो नीड है उसकी, वो सब उसे प्रोवाइड की जाती है, हर चीज़ उसे प्रोवाइड की जाती है जो भी उसे चाहिए। अब ये हाथमाला से काफ़ी ज़्यादा अलग जगह है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हाथमाला एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे पैसों का महत्व है, बट यहाँ पे पैसों का महत्व नहीं है क्योंकि लोग जानते ही नहीं पैसा क्या होता है। एंड वर्क एज़ पर ऑन देयर इंटरेस्ट। अब यहाँ पे व्यक्ति वही काम कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती है पैसा कमाने के लिए काम करना है, नहीं, आपको जिस काम में मन करता है वो काम करिए, आपको खाना, कपड़े और जो भी नेसेसरी थिंग्स है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। There is no concept of labor or of things, ठीक है। अब इस जगह पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है लेबर का, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी के अंडर काम नहीं करता, लेबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई किसी से पैसे लेके काम नहीं करता, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, ठीक है। एंड देन बाकी चीज़ें बताएंगे नहीं, तो फ्रूट सेलर एंड डॉक्टर स्टैंड ऑन सेम फुटेज। अब यहाँ पे है कि फ्रूट सेलर मतलब फल बेचने वाला और डॉक्टर दोनों एक जगह पे खड़े होते हैं। एंड देन एक्सपेंसिव ज्वेलरी बुक एंड अदर थिंग्स स्टैंड ऑन सेम फुटेज। जो ज्वेलरी की शॉप हो गई, ठीक है, गहनों की शॉप हो गई, बुक्स हो गए, या फिर जो अदर थिंग्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो सब एक जगह पे खड़ी होती हैं। इसका एक पीछे का एक रीज़न है कि यहाँ पे जो डॉक्टर है वो इसलिए उसके साथ खड़ा है कि कोई व्यक्ति आएगा फ्रूट सेलर के पास तो वो उससे भी खरीदेगा, डॉक्टर से चेकअप भी साथ साथ करा सकता है ये, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है। वहीं पे बुक्स, ज्वेलरी एंड अदर थिंग्स एक साथ रहती हैं ताकि कोई व्यक्ति आए लेने तो उन्हें वो चीज़ें दे दी जाए और बिना किसी मनी के, और एक साथ वो कई सारी चीज़ें भी वहाँ से ले सकता है। और यहाँ पे ये मेन पॉइंट है कि ऑल नॉन प्रिशनेबल थिंग्स आर फ्री फॉर यूज़ ऑन रिटर्नेबल बेसिस। अब इस जगह पे एक ये काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ का, कि इस जगह पे जो भी वह चीज़ें जो नष्ट नहीं हो सकती, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल हो गई, ठीक है, और भी कोई चीज़ जो कि नष्ट नहीं हो सकती, उन चीज़ों को रिटर्नेबल मतलब वापस करने के बेसिस पे हम उधार ले सकते हैं और यूज़ करके वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन कॉन्सेप्ट रखा गया है कि जो भी चीज़ है जो ख़त्म नहीं हो सकती, अविनाशकारी हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और फिर वापस कर सकते हैं। पर अगर आप हाथमाला में देखेंगे तो वहाँ पे आपको वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। इसके बाद आता था पीपल इन दिस लैंड हैव क्रिएट देयर ट्रूली इंगेलिलेशन सोसाइटी। सॉरी यहाँ पे पढ़ने में थोड़ी वो हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने एक इस तरह की सोसाइटी बना ली है जहाँ पे हम कह सकते हैं समानतावादी सोसाइटी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। जैसा कि सोवियत संघ ने, आपको ट्वेल्थ में पढ़ा होगा आपने, सोवियत संघ की भी यही विचारधारा था कि समानतावादी, अब वहाँ पे सभी व्यक्ति समान है, कोई भी
बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, ठीक है, कोई भी अमीर कोई भी गरीब नहीं है, यहाँ पे सब बराबर है। दिस लैंड वॉज फ्री ऑफ डिफरेंस बेस्ड ऑन वेल्थ, कास्ट, क्लास, रिलीजियस मैटर्स। ठीक है, जो ये भी जगह थी जिस लैंड पे हम बात कर रहे हैं, ये जगह यहाँ पे किसी भी तरह का वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है बिटवीन द, हम कह सकते हैं शरीर को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, कास्ट को लेकर भेदभाव नहीं किया जाता, क्लास को लेकर अपर क्लास लोअर क्लास को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, हिंदू मुस्लिम ऐसे कोई भी रिलीजियस को लेकर कोई भी मैटर नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबके सब एक बराबर हैं, प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। दे आर हैप्पी बिकॉज देर इज़ नो पोवर्टी, ग्रीडी, क्राइम, हंगरी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति खुश है। खुश रहने का मतलब कि यहाँ पे कोई भी गरीबी नहीं है, तो प्रत्येक व्यक्ति समान है, उसको भूख लगेगी तो उसको खाना मिलेगा। ठीक है, कोई भी ग्रीडी नहीं है, लालची नहीं है, कोई क्राइम नहीं होता, क्योंकि सबके पास जो भी नेसेसरी थिंग्स है वो सबके पास हैं, तो उसको कोई क्राइम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो भूखा है तो उसे खाना मिलेगा, अगर वो हंगरी है तो। ठीक है, कोई यहाँ पे हंगरी नहीं रहता। अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास काम ना हो, यहाँ पे सब व्यक्तियों को काम मिलता है। ठीक है, सभी व्यक्तियों के पास ये काम है, कोई ना कोई काम है तो वो वहाँ पे काम करके अपना गुजारा कर सकते हैं। एंड ऑफ द प्ले बोथ कीना एंड बेचर ज्वाइन द लैंड एंड स्टार्ट लिविंग लाइक देम। अब प्ले के जो आखिर में होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो दो लड़के पानी में से निकले थे, कीना और बेचा, वो क्या करते हैं, वो वहीं उसी जगह पे लैंड पे रहने लग जाते हैं और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ के क्या करते हैं, वहीं पे अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। वो काम करेंगे तो उन्हें खाना मिलेगा, रहने के लिए कपड़ा, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये था प्ले का मेन कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं, एक्सप्लेन द प्लॉट ऑफ द प्ले। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये जो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन का क्या प्लॉट है, ये आपको बता देना है यहाँ पे। हाउ इज़ द न्यू लैंड डिफरेंट फ्रॉम हाथमाला। अब यहाँ पे जो न्यू लैंड है वो हाथमाला से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हाथमाला में आपको डिफरेंट मिल जाएगा बिटवीन, कह सकते हैं, कास्ट के बीच में, रिलीजन के बीच में, वेल्थ के बीच में। ठीक है, पर यहाँ पे कोई भी डिफरेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे सब व्यक्ति एक बराबर है। यहाँ पे जो न्यू लैंड है उस लैंड पे आपको मिल जाएगा, पैसों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस हाथमाला पे पैसों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सब पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो जिससे कि आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। अब यहाँ पे कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो मैंने कैरेक्टर्स इन दिस प्ले अबाउट ओनली 10 एक्टर्स। ठीक है, अब इस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, आपको मैं अभी फोटो में दिखाऊंगा तो आपको काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, बट यहाँ पे जो 10 लोग हैं, मतलब 10 एक्टर्स हैं जो काफ़ी मेन रोल निभाते हैं। ठीक है, और उसमें 10 में भी दो एक्टर तो ऐसे हैं जिनका फिक्स्ड रोल है, जिनका नाम है कीना और बेचा, जो कि जो चोर हैं वो अपना फिक्स रोल निभाते हैं, ना उन्हें चेंज किया जाता है कहीं पे भी। ठीक है, उनका रोल फिक्स है। नेक्स्ट आता है कि मैनी कैरेक्टर्स प्ले डिफरेंट रोल्स इन प्ले अकॉर्डिंग टू द नीड। अब जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। अब सपोज करिए पेड़ बनना है, तो आप जो भी कह सकते हैं कैरेक्टर फ्री है वो जाके फटाफट पेड़ बन जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति को गाय बनना है तो वो गाय बन जाएगा, जैसे कि इसमें दिखाया फोटो, उसमें अभी आगे दिखाएंगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं कि काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, उनमें 10 बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें जो दो हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स में से है। इसके बाद आता है सीन सेटिंग। देर आर नो स्पेशल इफेक्ट्स ऑन द स्टेज, द सीन इज क्रिएटेड बाय द एक्टर्स देमसेल्फ्स। अब सीन सेटिंग में बताया गया है कि जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पे यूज़ नहीं किए गए हैं, बिल्कुल भी स्पेशल इफेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, सिंपल साउंड्स में ये किया जाता है। द सीन इज क्रिएटेड बाय द एक्टर्स देमसेल्फ्स। अब कोई सीन को क्रिएट करना है तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो एक्टर्स हैं वो सीन को क्रिएट करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, वो एक्टिंग करते करते ही सीन को क्रिएट कर देंगे। इसके बाद कुछ फोटोज़ को मैंने एडिटिंग किया है, ये हैं, आप इन व्यक्ति को देख सकते हैं, यही हैं बादल सरकार, इन्होंने ही ये ड्रामा लिखा है। ठीक है, बादल सरकार। अब इस तरह से ये प्ले हुआ करते थे पुराने टाइम में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये खुले एरिया में लोग रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, खाली में रह रहे हैं और ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पेड़ के नीचे रोल प्ले चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, और यहाँ पे ये लोग जो हैं ये रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह रोल प्ले हुआ करते थे। अब यहाँ पे जो फोटोज़ बुक्स में दी गई हैं, अब हम उनको देख लेते हैं।
सो जो पहली पिक्चर है उसमें बताया गया है कि विलेजर्स एज काओ इन अ काओ शेड इंस्टेड ऑफ द प्लेस्ड प्ले कार्ड अ प्ले या सिंपल पेपर मास्क ऑफ काओ कैन ऑल्सो बी यूज। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो व्यक्ति गाय बन रखे हैं, ये जो दो व्यक्ति हैं ये गाय बन रखे हैं, काऊ बन रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो दो व्यक्ति रनिंग कर रहे हैं तो ये बताया गया, तो यहाँ पे फोटोज में दिखाया गया है सिंपली। सेकंड पिक्चर में है कैरेक्टर्स एज अ रिवर इन द परफॉर्मेंस सारीज आर बींग यूज टू डिपिक्ट द रिवर बट इन द ओरिजिनल स्टेज डायरेक्शन सेवन विलेजर्स स्टैंड इन टू रोज फेसिंग ईच अदर मेकिंग द मूवमेंट ऑफ द वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो साड़ी है इसका यूज़ किया गया है किसके लिए, पानी पानी के बहाव को दिखाने के लिए। ठीक है, एक तरह से पानी की वेव्स को, और ये जो व्यक्ति है ये एक तरह के नाव का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और जो अगर आप असली उसमें देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि जो सात लोग हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और क्या वो बना रहे हैं वेव, पानी की जो तरंगे हैं उन्हें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इसमें ये नहीं? अब यहाँ पे पेड़ों को दिखाया गया है, ये लोग जो हैं ये पेड़ के पेड़ का रोल एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ये लोग पेड़ की तरह हाथ ऊपर करे खड़े हुए हैं, ये भी पेड़ बने हुए हैं। ठीक है, ये भी पेड़ बने हुए हैं, तो ये पूरी पिक्चर में जितने भी लोग दिखाएंगे ये सब पेड़ का प्ले रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट फोटो में बताया गया है कि कोकोनट ट्री को दर्शाया जा रहा है, कोकोनट ट्री को, ये लोग जो हैं जो कोकोनट ट्री की तरह खड़े हुए हैं, ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पिक्चर्स हैं ये दर्शाती हैं कि किस तरह रोल प्ले होता है ऑन द स्टेज। देन इसके बाद आता है टाउन इज मेड हाउस गेट्स फर्नीचर्स। ठीक है, टाउन में जो मेड दिखाए गए हैं हाउस गेट फर्नीचर्स ये सब उसका रोल प्ले कर रहे हैं, हाउस हो गए, ये हो गया हाउस, ये गेट्स हो गए, इस तरह से ये फोटोज़ में दिखाया गया है। अब आता है ईटरी, यहाँ पे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है एक तरह से, ये लोग बांटने वाले बैठे हुए हैं, तो ये फोटोज़ हैं जो दर्शाती हैं कि किस तरह रोल प्ले होता है। अगर आप स्टेज पे देखने जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरह दिखेगा। आपकी बुक में एक लिंक दे रखी है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके इस रोल प्ले को देख सकते हैं, वो काफ़ी सिमिलर है इस रोल प्ले से। ठीक है, कीना मेकिंग होल इन द वॉल विलेजर्स आर द वॉल। अब यहाँ पे जो ये व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, ये कीना है, ये क्या कर रहा है, ये दीवार में छेद बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये जो लोग हैं ये लोग हैं दीवार, ये दीवार का रोल प्ले कर रहे हैं, और ये जो चोर है ये दीवार में होल बनाने की कोशिश कर रहा है। पीपल ऑफ न्यू लैंड सिंगिंग एंड डांसिंग। अब ये नई जगह की बात बताई गई है कि यहाँ पे जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, न्यू लैंड के लोग हैं, और ये यहाँ पे सिंगिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और डांसिंग कर रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड में यहाँ पे लोग जो बैठे हैं यहाँ जहाँ पे अंधेरा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा अंधेरा नहीं है, यहाँ पे रोशनी है और वहाँ पीछे भी काफ़ी ज़्यादा रोशनी है, तो यही डिफरेंस है। अगर आप ओरिजिनल थिएटर में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अंधेरा मिलेगा। ठीक है, सिर्फ स्टेज स्टेज पे ही रोशनी होगी, बट यहाँ पे ये थर्ड थिएटर है तो यहाँ पे ये इस तरह दिखाया गया है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अभी हमारे चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं जिनको अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी हमें ड्रामा को एनालाइज करना है, ठीक है, उसकी समरी को लिखना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आपको आप चाहें तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी इससे रिलेटेड पॉइंट आउट मिल जाएंगे। और इस चैप्टर की जो PDF है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मिलेगी, क्योंकि अभी ये थोड़ी सी बाकी है, और वीडियो मैं कोशिश करूँगा वीडियो जल्दी ही आए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन माय चैनल।